We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिवट बॉस के सीरीज 4 में आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, वो इन्वेस्टर का तो फेवरेट है ही, वो FII और DII का भी जो है वो फेवरेट स्टॉक है और उसने आउट परफॉर्म करके पास्ट में दिया है, तो नेचुरली सबका फेवरेट होना लाजमी है। हम बात करेंगे इन्फी की, इन्फोसिस की। आज उसके फंडामेंटल की बात करेंगे, 5 ईयर CPR जो पिवट बॉस में लिखी हुई है, और हम 5 साल के साइकिल पिवट की बात करेंगे, उसके नेम चार्ट वाइब्रेशन की बात करेंगे, एंकर वेव ऐप उसके हाई और लोग से डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ निफ्टी के अगेंस्ट में उसका रेशियो चार्ट जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का केस स्टडी इन्फी। ये इन्फी का फंडामेंटल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमको कल का क्लोजिंग प्राइस जो है वो 1721 दिख रहा है, 11 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस है ये, और इसका ये BSE NSE का कोड है, ये सभी लोग जानते ही है। infosys.com इसका वेबसाइट है। मार्केट कैप जो है वो 7 लाख के ऊपर है, 723 प्रिसाइजली। लेकिन इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद भी मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा वो ये है, डेट इक्विटी 0.08 और सिर्फ 5312% का, मतलब 1% से भी कम है, तो ऑलमोस्ट हम इसको डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं, इसलिए आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो इतना हाई दिख रहा है। इसके अलावा स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्री के पी से ऑलमोस्ट इक्वल है, 1:1 का रेशियो हम बोल सकते हैं। नॉर्मली इतने बड़े मार्केट कैप पे हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, पर ये ड्यू टू इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। बुक वैल्यू जो है वो इसको 165 है। इंडस्ट्री का पी जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 8.95 है, जबकि इसका जो है वो 10.4 है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा ओवर प्राइस जो है वो नहीं है, हम 1 के सामने 1.25 के आसपास जो है वो ये ट्रेड हो रहा है, तो मोर और लेस फंडामेंटली जो है वो इक्वली जो है वो चल रहा है, बल्कि कुछ चीजें जो है इतने बड़े कंपनी होने के बावजूद जो है वो अट्रैक्टिव ही आज भी इस कंपनी में दिखती है, जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट आपसे डिस्कस किया। तो ये तो हमने फंडामेंटल्स की बात कर ली। देखिए, हम यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं कि इन्फोसिस जो है वो हमको इस प्राइस पे बाय करना चाहिए, हम आपको इसके डिटेल्स को जो है वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आप स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, इसने किस तरह से पास्ट में जो है वो परफॉर्म करके दिया है, ताकि इस केस स्टडी के माध्यम से आप किसी और दूसरे कंपनी का एनालिसिस जो है वो अपने लिए कर सके। तो ये तो हमने स्क्रीनर से लिया है, ये हमारा सोर्स है, बाद में मैं आपको इसके बाद सोर्स भी दिखा दूंगा, पर वो मैंने स्क्रीनर से ये डेटा जो है वो लिया है। तो ये हमारा फंडामेंटल हो गया। आइए चलते हैं हमारा मेन कोर थी टेक्निकल एनालिसिस की ओर। टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है वो, हाँ, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि 5 ईयर का CPR जो है वो हम करते हैं, तो हम एक्सेल शीट भी आपको दिखाएंगे कि कैसे डेटा को जो है वो हमने कलेक्ट किया, और मैं आपको किसी भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर पे आपको ये 5 ईयर CPR नहीं दिखा रहा हूँ, मैं एज ए जेन मतलब एक आम निवेशक, एक आम इन्वेस्टर जो कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है, मोस्टली टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारे फ्री रिसोर्स हैं, आप उससे जो है वो अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं, बस आपको देना होगा थोड़ा सा समय। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले यदि आपने ये थोड़ा सा समय दे दिया तो आपके लिए अच्छा होगा, यदि आप किसी एडवाइजर के साथ भी बैठेंगे तो आप उसके साथ एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, तो आप इस तरह से अपना होमवर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप खुद ब खुद एनालिसिस कर पाए। तो ये तो हमने हाई लो जो है वो कैलकुलेट किया है एक्सेल शीट पे, जहाँ पे हमको 5 साल का जो है वो हाई 1.0 हो, ये सारे एडजस्टेड प्राइस है, आप ये मत समझिए कि ये उस वक्त का है, जी बीच में जितने भी बोनसेस आए होंगे, स्प्लिट हुए होंगे, वो सारे प्राइस यहाँ पे एडजस्टेड आपको दिख रहा है। ये हाई लो क्लोज जो है वो 1995 तक है, जो ट्रेडेबल हमारा पिवट जो है वो हमको बना 1996 से 2000 के लिए, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमारा ट्रेंड जो है वो यहाँ पे निगेटिव है, BC बॉटम सेंट्रल जो है वो टॉप सेंट्रल के ऊपर है,
मैं एक रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे और ये हमारे इस सीरीज में वो पहला वीडियो देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट होगा कि इससे पहले का भी वीडियो वो पूरा देख ले, ताकि उनको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए कि हम किस किस डिटेल्स की बात करते हैं, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो आपको ये जो है वो आपको एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन आपको एक नैरो रेंज सीपीआर दिख रहा है, क्योंकि इनका जो आपस में जो है आपको बहुत ही कम है, तो एक वहां पे कंसोलिडेशन जो है वो आपको दिख रहा है, और उसके बाद एक्सपेंशन आपको मिला है, एक्सपेंशन मिला है वो चार्ट पे दिख रहा है, ये आपको वैल्यू जोन था, और ये देखिए उसके बाद उसने हाई जो है वो 216 का बनाया। जब भी कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसके बाद एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड होता है, उसने मार्केट ने दिया भी है, पर हम यहाँ पे कोई ट्रेडिंग मेथड नहीं बता रहे हैं, हम आपको उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगली बार जो डेटा बना 2001 से 2005 के बीच का, वहां पे भी हमको वैल्यू जोन जो है वो हमको निगेटिव ही बिना, क्योंकि हाई तो 216 का है लेकिन क्लोजिंग देखिए 88.27, यानी कि लास्ट में हो सकता है 2004-5 में जो है वो लास्ट में सेल ऑफ आया हो, जिसको हम चार्ट पे भी देखेंगे, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में जो है वो उसने हाई बनाया हो और सेकंड हाफ में उसको सेल ऑफ आया हो, तो ऐसा हो सकता है, इसको हम चार्ट पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड निगेटिव था, तो 2005 में भी जो है वो हमारा ट्रेंड जो है वो निगेटिव हो गया, मतलब 2001 से 2005 के बीच का जो ट्रेडेबल पॉइंट था। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू जोन 2005 में बन के आया, जो ट्रेडेबल पॉइंट हुए 2006 से 2010 के लिए, वहां पे हमारा सीपीआर जो है वो पॉजिटिव आया फर्स्ट टाइम। देखिए आइडियल सीक्वेंस 160, 135, 110, यानी कि ये हमारा आइडियल वैल्यू जोन है अप ट्रेंड का, क्योंकि बॉटम सेंट्रल जो है वो टॉप सेंट्रल के नीचे है और पिवट के नीचे है, तो ये हमारा एक अप ट्रेंड का सीक्वेंस है। हम यहाँ पे पिवट सिस्टम की बात कर रहे हैं, पिवट सिस्टम जो है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होता है, तो आप एक बार ट्रेंड को एस्टेब्लिश हो जाने की दीजिए और उसके बाद आपको एंट्री इसमें करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके बाद 2010 का जो वैल्यू जोन बना उसमें ये देखिए इसका लो जो है वो 129 का है, और ये सीपीआर जो है वो 160, 135, 110, यानी कि इस वैल्यू जोन को उसने 2008-09 में जो करेक्शन आया था उसमें उसने सीपीआर को टेस्ट किया, पिवट जोन को टेस्ट किया, इनफैक्ट पिवट को वायलेट किया, लेकिन बॉटम सेंट्रल को उसने जो है वो तोड़ा नहीं है। तो एक एंट्री जो है वो आपको यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर्स को जो है वो वहां पे मिली। क्या कोई दूसरा भी आपको कन्फ्लुएंस जोन था, हम उसको आगे भी चार्ट पे देखेंगे। तो ये सिस्टम जो है ये यहाँ पे दिया। उसके बाद 2015 में जो वैल्यू जोन बना वो 610 का हाई था, 254 का लो था, 545। तो यानी यहाँ पे भी जो है उसने सीपीआर जोन को टेस्ट किया, लेकिन उसने बॉटम सेंट्रल को मार्जिनली ब्रेक किया, क्योंकि लो देखिए 254 का है और यहाँ पे 277 है, हालांकि उसने S1 को ब्रेक नहीं किया, 227 का S1 है, राइट। तो एक हमारा ये सेकेंड रिटेस्ट हो गया। देयर आफ्टर 2020 में जो कोरोना के कारण जो डाउनफॉल हुआ था, वहां पे 424 का लो बना है और वो एग्जैक्टली आपको सेम जो है वो बॉटम सेंट्रल पे ही सपोर्ट लिया 424, क्योंकि S1 तो 332 का है। तो आपको ये जो है ये देखिए एट अप ट्रेंड का स्टॉक का ये आइडियल सिनेरियो है, आपने इससे पहले भी जो है वो अतुल के केस में भी देखा होगा और निफ्टी के केस में भी मैंने डिस्कस किया कि आइडियली यदि अप ट्रेंड में होता है तो वो नॉर्मली सीपीआर जोन से ही जो है वो आपको बाउंस करता है। एक्सट्रीम केस में जो है वो नॉर्मली मिड कैप में ज्यादा होते हैं, मिड कैप में जो है वो S1 तक जाते हैं, लेकिन लार्ज कैप जो होते हैं प्लस क्वालिटी स्टॉक जो होते हैं, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इश्यू नहीं होती है, वहां पे वो पिवट जोन पे 5 ईयर के पिवट जोन पे वो बाउंस आता ही आता है। तो हमने यहाँ पे ये हमारा आइडियल सिक्वेंस हमको यहाँ पे इन्फी के केस में जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तो सीपीआर हो गया। इसके बाद जो है वो हम आइए देखते हैं कि चार्ट पे इसने किस तरह से परफॉर्म किया। जैसा कि मैंने आपको पहले में बताया था कि यहाँ पे जो है ये 2000 से पहले आपको एक नैरो सीपीआर बना था और उसके बाद 216 का जो है वो हाई बनाया, लेकिन सेकेंड हाफ में जो है वो इसको सेल ऑफ आया और नियर अबाउट 80 के आसपास जो है उसने क्लोजिंग दिया। चूंकि क्लोजिंग नीचे हो गई तो नेक्स्ट 5 ईयर में भी जो है वो हमारा ट्रेंड निगेटिव ही रहा, इसी वजह से जो है वो
हमको वहां पे बाइंग एंट्री जो है वो सीपीआर जोन में नहीं मिला, ये वाला। तो यहाँ पे भी जो है वो हमारा सीपीआर जो है वो नेगेटिव है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीपीआर जोन है वो 94.96, 101 और 108 आइडियल सीक्वेंस है, मतलब बॉटम सेंट्रल ऊपर है, टॉप सेंट्रल नीचे है, सबसे नीचे और बीच में आपको पिवट पॉइंट है। तो ये जो है वो 2005 के बीच का जो है, मतलब 2001 से 2005 के बीच का जो मार्केट का प्राइस एक्शन है वो हमने आपसे यहाँ पे एनपी का डिस्कस किया। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग जो है वो सेकेंड हाफ में ऊपर हो रही है और वो 108 हमारा 108 तो यहाँ पे, यानी कि हमारा ये ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन सीपीआर जोन के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे रहा है, तो नेचुरली यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पिवट का वो चेंज हो रहा है। 5 साल के सीपीआर में सेंट्रल पिवट रेंज का जो ट्रेंड है वो इस समय इस प्राइस एक्शन पे हमको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो नेक्स्ट पीरियड में जो है वो उसका ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो हमारा जो, जैसे मैं बोल रहा था कि 2006 से 2010 के बीच में जो है वो हमारा आइडियल सीक्वेंस सीपीआर जोन 160, 135, 110, टॉप सेंट्रल सबसे ऊपर, उसके बीच में पिवट और फिर सबसे नीचे बॉटम सेंट्रल, ये आइडियल सीक्वेंस है। और एग्जैक्ट लो जो है वो 128.98 का आया है, 128.98 का आया है और उसने जो है वो पिवट को टेस्ट किया है पर बॉटम सेंट्रल को उसने जो है वो टेस्ट नहीं किया और यहाँ से बाउंस हुआ। आगे जो है वो हम आपको एक चीज और दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको एक कन्फ्लुएंस यदि मिल जाए तो यहाँ पे आपको और भी इजी वे में जो है वो आपको डिसीजन आप ले पाएंगे। वो चीज जो है वो हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कन्फ्लुएंस जोन हमको मिल रहा था हमारे दूसरे सिस्टम से। तो एक बार हमारा सीपीआर का जो है वो पिवट जोन का एक टेस्ट हो चुका है, अब 2011 से 2015 के बीच का जो प्राइस एक्शन है वहां पे भी जो है वो हमको एक टेस्ट हुआ है। सीपीआर जोन जो है वो 375, 326 और 227 है, आइडियल सीक्वेंस है और लो जो बना है वो 254 का है, हमारा बॉटम सेंट्रल 277 का है, तो मार्जिनली ब्रेक किया है, S1 को उसने ब्रेक नहीं किया है। तो ये हमारा सेकेंड रिटेस्ट हुआ सीपीआर जोन का। इसके बाद देखते हैं कि 2016 से प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है। 2016 से जो है वो हमारा पहले सीपीआर जोन जो है वो 506, 467, 428 आइडियल सीक्वेंस अप ट्रेंड का, तो हमको यहाँ पे जो हमको बना है वो 424 का जो है वो लो बना है, 424 मार्जिनली जो है वहां पे इसने बॉटम सेंट्रल को उसने ब्रेक किया है। हमने पहला देखा, पहला पिवट पे गया, सेकेंड टाइम भी वो उसने बॉटम सेंट्रल से ही ऑलमोस्ट जो है वो बाउंस किया, थर्ड टाइम है, 2016-2020 में जो है वो बॉटम सेंट्रल से ही वो उसने बाउंस किया और अभी जो है वो अप ट्रेंड में इंटैक्ट, उसका ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट। ये वन हो गया, टू और तीन हो चुका है इन्फी का रिटेस्ट। तो ये तो हमारा पिवट जोन का हो गया, 5 साल के सीपीआर जोन पे इन्फी ने इस तरह से किया और ये एज ऑन टूडे अभी का जो है वो चार्ट चल रहा है। अभी फिलहाल वो किसी को भी टेस्ट नहीं किया है क्योंकि हमारा सीपीआर जोन जो है वो आप देख सकते हैं कि 101118 यानी कि 1118, 979 and 841 का आपको सीपीआर है, जिस और फिलहाल मार्केट का प्राइस एक्शन इससे बहुत ऊपर है। तो ये तो टेक्निकली जो है वो हमने चार्ट पे देखा। अब आइए जो मैं कन्फ्लुएंस की बात कर रहा था वो हमको एंकर वीवैप, दोस्तों एंकर वीवैप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपको प्राइस को, टाइम का और वॉल्यूम का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है और मैंने अपने सारे वीडियो में जो भी एंकर वीवैप के हैं, आप मेरे वीडियो एंकर वीवैप के और भी डिटेल स्टडी के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे इन तीनों का जो है ये बेस्ट एग्जांपल है। देखिए हम ये हाई से यहाँ पे 2000 हाई से, आपको याद होगा कि यहाँ पे हमको नैरो सीपीआर बना था, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ था लेकिन सेल ऑफ हो गया था। हमारा यहाँ पे जो है वो वैली जोन भी था, पिवट जोन भी था और यहाँ पे एंकर वीवैप भी था, राइट। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस बताया कि एंकर वीवैप यदि रिगेन कर रहा है प्राइस का, तो आप ये मान के चलिए कि हाई का रीटेस्ट एटलीस्ट ब्रेक होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन वहां का रीटेस्ट होना बनता है। यानी कि रीटेस्ट दो तरह से होते हैं, यानी कि वो या तो एग्जैक्टली वो क्रॉस करके निकल जाएगा, ये वहां तक जाएगा या थोड़ा सा उसके नीचे जाएगा। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी जो है वो रहती है, लेकिन रीगेन होने के बाद जो है वो आपको वो प्रोबेबिलिटी कंफर्म हो जाती है। लेकिन आपको इस वक्त जो है सो आपको यहाँ पे पिवट जोन भी आपको यहाँ पे दिखेगा,
जिसके ऊपर क्लोजिंग दिया और हमारा ट्रेंड को उसने 2001 से 2005 के बीच का जो प्राइस एक्शन है, 2001 से लेकर के 2005 के जो प्राइस एक्शन है, वो हमारा ट्रेंड को जो है वो वहां पे चेंज कर रहा है। और यहाँ पे 150 के आसपास आप देख लीजिए, 150 के, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 150 के आसपास ये जो है वो आपको हमारा 128 का वैल्यू जोन, 135 का पिवट था और 128 का एग्जैक्ट लो है, और उसके नीचे 112 का हमको एंकर वीवैप जो है वो हमको दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस जोन जो है वो दो दो सिस्टम से जो है वो हमको यहाँ पे मिल रहा था। इतने सारे पॉइंट को डिस्कस करने का एक ही उद्देश्य है कि आप इन सारे टूल को जो है वो आप अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। आप आगे जाकर के जिस किसी भी स्टॉक को आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, आप उसके फंडामेंटल्स को चेक कीजिए। स्क्रीनर पे हमने आपको दिखाया कि फ्री सोर्स है, वहां पे जगह दिया कीजिए। उसके बाद जो है वो पिवट पॉइंट निकालिए 5 ईयर्स का, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर है और हमने 5 ईयर का साइकिल क्यों यूज किया है उसका लॉजिक का भी वीडियो जो है वो हमको, हमने उसको शेयर किया है कि व्हाई इंडियन इन्वेस्टर्स शुड फॉलो 5 ईयर साइकिल, उसका लॉजिक भी जो है वो हमने एक वीडियो में पूरा डिटेल वीडियो जो है वो एक छोटी सी ही है उसको हमने डिस्कस वहां पे आपके साथ कर दिया है। तो यहाँ पे हमको जो है वो दो दो सिस्टम से हमको एक कन्फ्लुएंस जोन जो है वो हमको मिल रहा है। तो ये एंकर वेव ऐप हो गया। ये देखिए, एक बार उसने रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिगेन किया, और ये हमारा यहाँ पे जो है वो पिवट वाला टेस्ट था। उसके बाद से ये इसका अप ट्रेंड, इसका स्लोप देखिए, ये एक ड्रीम स्लोप होता है किसी भी ट्रेंड फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। यदि आप मूविंग एवरेज वगैरह यूज करते हैं तो ये जो स्लोप होता है ये एक ड्रीम स्लोप होता है कि उसका रिटेस्ट हो ही नहीं। और आप यदि एंकर वी वेब किसी भी सिग्निफिकेंट हाई से यदि आप ड्रॉ करते हैं तो आप ये समझिए कि वहां पे टाइम एलिमेंट है, वहां पे वॉल्यूम है, इसका नाम ही है वीवैप, वॉल्यूम वेट, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, और वहां पे हमने स्विंग से जो है वो उसको ड्रॉ किया है। तो हमने एक टाइम एलिमेंट वहां पे ऐड कर दिया, प्लस हमारा 5 ईयर का पिवट है। इसका अभी तक रिटेस्ट जो है वो हालांकि अभी आपको बहुत नीचे दिख रहा होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं 2009 में, उन लोगों के लिए जो है ये प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिटर्न उनको यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी जो है वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले रहे हैं। तो एक्चुअली आपको इसी तरह के स्टॉक्स जो है वो ढूंढने चाहिए जो ट्रेंड में हो, जहाँ पे जो फंडामेंटली साउंड हो। आपको क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो उसको यूज करने चाहिए, वो सारे चीज जो है वो हमने उसको ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। प्लस हमने जो है सो आपके साथ इसका एंकर वेव ऐप भी यूज डिस्कस कर लिया। ये देखिए, ये इसका रेशियो चार्ट, रेशियो चार्ट में आप ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये आउट परफॉर्मेंस है। चार्ट पे देखिए, चार्ट पे जो है वो आपको प्राइस जो है वो अपवर्ड दिख रही है, लेकिन इसका स्लोप जो है ये अभी भी जो है वो हमारा ट्रेडिंग रेंज में ही है। यदि ऊपर देखें, हालांकि इस ट्रेडिंग रेंज का उसने ब्रेकआउट जो है वो 2021 में दे दिया, तो ये पहला सिग्नल है। अभी इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो मार्केट की मर्जी है कि वो अभी क्या करेगा, लेकिन रेशियो चार्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आपको देता है। देखिए, ये निफ्टी के अगेंस्ट जो है ये चार्ट प्लॉटेड है, यानी कि निफ्टी भी यदि इस पीरियड में परफॉर्म करेगा तो ये पैरेलल चले, लेकिन निफ्टी के अगेंस्ट में यदि इंफोसिस भी ज्यादा करेगा तो वो आपको एक्सपोनेंशियल राइज जो है वो आपको एक कर्व जो प्राइस वाला है वो आपको दिखेगा। तो निफ्टी भी जो है वो इस समय इस पीरियड में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नेचुरली ये उसका ही कंस्टिट्यूएंट है, उसका हैवी वेट है, तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट जो है वो उसका आपको चार्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको एक ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है, तो उसके भी एक अपने मायने हैं, वो आप जानते हैं। हमने जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो आपको डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है आपके साथ। तो ये तो हमको इन्फी का जो है वो रेशियो चार्ट मिला। नेम चार्ट वाइब्रेशन जो है वो यदि हम इन्फी का निकाले तो आई के लिए वन, एन के लिए 5, F8, Y1, टोटल हमारा हो गया 8+9+5 14+1 15, यानी कि सिंगल डिजिट में 6 और 15 × 15 यानी कि 225 पॉइंट का जो है वो आपको इसका वाइब्रेशन निकलता है। वाइब्रेशन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है वो हमने इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस कर रखा है, तो आई डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव। तो ये है इसका जो है वो आगे जाकर के हम ये हमारा हमने इसको जो है वो गैन स्क्वायर ऑफ 9 के शीट में जो है वो इंसर्ट कर दिया 15 × 15 का। ये देख लीजिए, इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा। ये देखिए, ये 45 डिग्री का है, ये ऑड स्क्वायर वाला है, ये इवन स्क्वायर वाला है,
हाईलाइटेड, ये रेड और जितने भी है ये फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आप छोड़ दीजिए, वो कौन से पॉइंट्स हैं। पर आपको ये देखना है कि आपको याद होगा कि 128 का 2009 में जो है वो लो बनाया था, 131 का हमारा सीपीआर जोन था, 135 का प्रिसाइजली। और आपको वही चीज जो है वो आपको यहाँ पे भी जो है वो एक तीसरा कन्फ्लुएंस आपको नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर से जो है वो आपको दिख रहा है। तो यदि ये शीट भी यदि आपने वहां पे बना रखी हुई थी तो तीसरा कन्फ्लुएंस जो है वो हम आपको यहाँ पे दिखाया, पहला सीपीआर दिखाया, फंडामेंटल तो ऑब्वियसली है सीपीआर पे देखा हमने, एंकर वीवैप देखा, और ये नेम चार्ट वाइब्रेशन पे भी आपको 45 डिग्री के प्रिसाइजली, ये देखिए कि इम्पोर्टेंस ये है कि ये 45 डिग्री पे आया हुआ ये नंबर है, तो इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है गैन सिस्टम में। तो ये तीन तीन जो है वो हमको कन्फ्लुएंस जो है वो हमको इन्फी के चार्ट पे 2009 में हमको देखने को मिला था। हमारा डेटा सोर्स जो है वो हमने जो डेटा वो हाई लो और क्लोज का जो डेटा लिया है वो कलेक्ट किया है, वो मनी कंट्रोल से किया है, investing.com से किया, और सारे फंडामेंटल्स जो है वो हमको हमने स्क्रीनर से लिया है। तो मोर लेस जो है वो हमने सारे इसके केस स्टडी के डिटेल्स जो है वो आप लोगों से शेयर किए, आशा करता हूँ कि वो चीज जो है वो आपको पसंद आया होगा। सोर्स पार्ट की एक बार फिर से मैं बात कर लूँ डिटेल में, सोर्स पार्ट की जो है वो एक बार मैं फिर से आपको डिटेल में बताऊं, तो ये जो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये स्क्रीनर को हमने यूज किया है, और यही चीज जो है वो हम आपको पीपीटी में दिखाए थे इन्फोसिस का, और आप यहाँ पे जाएंगे और ये सारे जो है वो आप रेशियो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं जिस रेशियो को फॉलो करता हूँ या जिसको देखता हूँ वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप अपने हिसाब से जो है वो बना भी सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं एज पर योर नीड। ये इन्फोसिस का है, इन्फोसिस का जो है वो हिस्टोरिकल डेटा जो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने इस वेबसाइट से जो है वो आपको देखिए, ये फ्री वेबसाइट है तो यहाँ पे एड्स वगैरह जो है वो आपको आती रहेंगे, वो थोड़ा सा जो है वो आपको देखना होता है। पर मेरी कोशिश ये होती रहती है कि किस तरह से एक आम इन्वेस्टर जो है वो काम कर सकता है विथ लेस कॉस्ट, वो चीज आप लोगों को दिखाना होता है। तो ये हमारा 1994 से जो है वो आपको डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल, आपको यहाँ पे मंथली चार्ट का दिख जाएगा, और आपको वहां से आपको ईयरली का हाई लो आप निकाल सकते हैं। उसका भी डिटेल में जो है वो हमने वीडियो में किस तरह से करना है, एक्सेल शीट पे यूज करना है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ। मैं एक बार आपको एक्सेल शीट भी दिखा देता हूँ। तो ये एक्सेल शीट था, ये 1994 से हमने डेटा लिया हुआ है, एडजस्टेड डेटा है। यहाँ पे देखिए 1995, ये थोड़ा सा हमारा शॉर्ट होता है क्योंकि वो आप जब भी करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर जो है वो थोड़ा सा आएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा 1994 से लेकर 1995 तक के ही था, लेकिन देयर आफ्टर 1995 ऑनवर्ड जो है वो आपको कंप्लीट 5 ईयर साइकिल का जो है वो टिल टुडे वो आपको मिल जाएगा। और ये हमने जो है वो पिवट बॉस में लिखी हुई है, विल स्वाइडर की बुक में लिखाई हुई है, और मार्क फिशर की बुक में, लॉजिकल ट्रेडर में भी, और जॉन पॉर्सन की बुक में भी, जो फॉर्मूला जो चारों बुक में कॉमन है पिवट की, वो स्टैंडर्ड पिवट को हमने यूज किया है, सीपीआर जोन में निकाला है। और ये आपको जो है ये डेटा हमने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको एक्शन पीपीटी में जो है वो हमने दिखाया था। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी कोशिश जो है वो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट हमको जरूर दीजिएगा कि आने वाले सीरीज में जो है वो आप कौन से स्टॉक पे हमसे वीडियो चाहते हैं, तो हम उसके भी डिटेल एनालिसिस जो है वो हम करके लाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि वो सारे स्टॉक हो जिसका डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा, जितना पुराना डेटा रहेगा, जितना लंबा डेटा रहेगा, तो हम उतना डिटेल में एनालिसिस आपके सामने ला सकेंगे। थैंक यू, नमस्कार।